ये मतलब चिता का दाह अंतिम संस्कार किया गया था, वो सो ऊपर अड़ा हुआ है। तो हाय, मेरा नाम है ओम और यहाँ का ना ये हम दूसरी या तीसरी बार वीडियो बनाने आए हैं और लास्ट हमने बनाया था वो जो लाइट दिख रही है वहाँ पे। हाय, मेरा नाम है ओम और आज और मैं अंकित आए तो हम वहाँ तक नहीं जा रहे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है वहाँ तक जाने में और हमें रिकॉर्ड करना है वो झाड़ी दिख रही है वहाँ पे जाके, तो हम वहाँ जाएंगे सीधा वीडियो बनाने। लास्ट बार वहाँ पे क्या हुआ था कि उधर की तरफ ना कोई मतलब कुछ अजीब सा दिख रहा था और मैं पहले दिखाता हूँ कि हमने जो वहाँ पे वीडियो बनाई थी। हम ना उसी जगह पे आके खड़े हो गए मैं और अंकित और हमें तो ऐसे यार अब दूर से ना कोई दिख रहा था। हमारे जो कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपकी वीडियो में मतलब एक्टिविटीज़ हर बार क्यों दिख जाती है। थक गया और हाँ, थकने से याद आया इंस्टा अंकित और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो। बाल काफ़ी बड़े होंगे लॉकडाउन में, कहीं कुछ कोई बाल ही नहीं काट रहा यार, काटने हम कटवाने भी नहीं जा रहे आए क्योंकि रिस्क है थोड़ा सा, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तभी कटवाएंगे। एंड कैसे लग रहे हैं हम बड़े बड़े वालों में? तो हेलमेट लगा लिया। नहीं, मैं तो अच्छा ही लग रहा हूँ। पता आए अब मुँह अपने मियाँ मिट्टू ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, बाकी सही लग रहा अंकित। और इस यहाँ की जो स्टोरी है मैं वहाँ जहाँ पे मेन जगह है वो जो दिख रही पूरी झड़ी वहाँ जाके बताएंगे। और जो लास्ट कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यार आपकी वीडियो में हर बार ही मतलब लाइट आ रही है, हर बार ही मतलब एक्टिविटीज़ क्यों दिखती है? तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम ना कई जगह आते हैं वीडियो बनाने और कई बार आते हैं, एक जगह की वीडियो हम तीन चार बार बनाते हैं। जब तीन चार मतलब एक दो बार तो अगर फर्स्ट टाइम में दिख गए तो ठीक है, एक्टिविटीज़ दिख गई क्योंकि आप लोग देखने वीडियो आते तो अगर आप लोग को थोड़ा सा मजा आए, थोड़ा सा डर लगे, अगर आप लोग को मैं वो नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग शायद ना देखे। तो इसकी मैं यहाँ के तीसरी बार आया, दिन में भी आए थे बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि दिन में हम आए थे टीवी लेने अंकित के लिए, अंकित को टीवी चाहिए था तो हम टीवी लेने आए थे, बट अब रात में आए हैं और देखते हैं यहाँ पे कि आज हमारे साथ क्या होता है। लास्ट बार हम दोनों काफ़ी डर गए थे क्यों, उसके पीछे अंकित रीज़न बताया कि लास्ट बार क्या होता बताइए एक बार। लास्ट बार जो अभी ओम ने बताया कि वहाँ पे जो पीछे वो झाड़ियाँ सी हैं वहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा कि ना तो वो इंसान था ना वो जानवर था, उसकी थोड़ी अजीब सी शक्ल थी, जैसे मोटी मोटी आँखें लंबी लंबी शक्ल थी, मतलब कुछ अजीब से जैसे कुछ ना जानवर ना इंसान, ना जानवर ना इंसान ऐसा कुछ था और हम ना ज्यादा ही भयंकर था वो। हाँ, पहली बार अंकित ने देखा अंकित पीछे हो गया हूँ कुछ था, दूसरी बार मैंने देखा तो उसकी मुंडी उसने यूं की थी और तीसरी बार हम जब गए वहाँ पे तो वो हमारे पीछे लग गया इसलिए हम भाग गए, हम भागी गए। तो ये वो वीडियो कुछ खास नहीं मेरी इसलिए हमने वो डाला नहीं, तो आज हम देख आए हैं देखो इस बार वीडियो में क्या होता है। तो चलो चलते हैं उस जगह पे और देखते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, अंकित के 500 फॉलोअर हो गए, अब क्या टारगेट है तेरा? 500 से ज़्यादा ही हो गया। हाँ पा, मेरा टारगेट है 5000 का। कुछ ज़्यादा भी बोल गया इतना तो होना चाहिए। तो चलो चलते हैं लोकेशन में और देखते हैं, फैन है जो यही हमारी मदद करते हैं। तो चलो चलते हैं लोकेशन में और देखते हैं। और ये जगह ना सच बताऊँ तो बड़ी प्यारी सी है, मतलब गांव से भी इतनी प्यारी जगह यहाँ पे शायद कोई आता ही नहीं आता, आई डोंट नो, बहुत बहुत प्यारी जगह है। मैं एक बार लुक दिखाता हूँ आपको, आता हूँ फिर सरोवर, वो जो डक यहाँ थी वो चली गई है वहाँ पे और बहुत प्यारी जगह है। आई थिंक मैंने सुना था जो जिन्होंने यहाँ की स्टोरी बताई थी वो कह रहे हैं यहाँ पे मतलब हरियाणी गाने की शूटिंग वूटिंग भी होती है और देखो कितना प्यारी जगह, मतलब यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल सही है। हमने लास्ट बार वो टेक लिया था वहाँ पे और हमें वहाँ पे कुछ दिख रहा था और ये पूछे इसके पीछे पूरा देख रहा हूँ ये पूरी स्टोरी है। तो हम चल रहे हैं बाहर और देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। चले अंकित, और अभी ना ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो है ना ये कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पे कि अभी लगा जैसे कोई यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ पे जो वाइट वाइट है, अच्छा ये वाइट वाइट ना ऐसे दिख रहा है वैसे दिख रहा, अच्छा लाइट का फर्क है, तो मुझे लगा यहाँ कोई बैठा हुआ है, अब हट गया। अंकित आ जा। तो देखो ये ना ये पूरा सरोवर टाइप कुछ है और ये पूरी झाड़ियाँ ना यहाँ पे पूरी लोकेशन है और अंदर जाके शमशान घाटी मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है और इन झाड़ी की स्टोरी है। तो अभी मैं हम क्या कर रहे हैं स्कूटी से पूरा एक चक्कर लगाते हैं वहाँ तक और देख के आते हैं, उसके बाद शमशान घाट भी ट्राई करेंगे। अंकित आ बैठ, ध्यान से देखना, अगर आप लोग को कुछ दिखता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अंकित तो ये पूरी वो झाड़ियाँ हैं, अंकित बैठा रहे बैठ रहे बैठा रहे उतर मार। तो ये पूरी एक मिनट मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, तो अरे यार लाइट बंद स्कूटी बंद पे तो दिया जा रहा है। तो देखो ये ना पूरी मैं एक बार लाइट इधर कर रहा हूँ, ये पूरी झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर जा नहीं सकता बट वो औरत इसी के अंदर जाके उसने जहर खा के सुसाइड किया था, मैं वो पूरी स्टोरी बताऊँगा आपको। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इस रोड पर और देखते हैं।
तो हम वहाँ से निकल के ना काफ़ी आगे आ गए हैं। शमशान घाट तो नहीं दिखा मुझे इधर पे कहीं, और किसी ने जिसने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी उन्होंने कहा था कि शमशान घाट भी यहाँ पे, तो शमशान घाट तो नहीं दिख रहा फिलहाल। वो तो सामने की तरफ कुछ है तो उसमें देख के आते हैं वो क्या है। हाँ ये शमशान घाट है, ये शमशान घाट है, तो ये शमशान घाट है और इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। और इसके जो अंदर का जो व्लॉग आएगा और वहाँ पे भी किसी की मतलब चिता का दाई अंतिम संस्कार किया गया था वो सो ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं। इसका पार्ट अलग आएगा और इसकी स्टोरी भी अलग है तो वो सब अलग आएगी। तो अब चल रहे हैं पीछे की तरफ, तो मैंने मोड़ दिया गाड़ी। क्या होंगे अंकित ने की सुनाई दे रही तेरे को? नहीं दी सुना मेरे को तो बिल्कुल नहीं दे रही। कैमरे में ध्यान देना भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई तो बोल रहा अंकित। मेरे को सुनाई नहीं दिया, अब देखते हैं रिकॉर्डिंग, देखते हैं घर पे जाके कि कोई यहाँ की स्टोरी है कुछ ऐसी। अंकित को बताऊँगा, अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, तो सीन यहाँ पे क्या हुआ था कि वो छोटे छोटे ये बताता हूँ कि यार प्यार का चक्कर था, फिर उनके घर वालों ने उससे शादी नहीं करवा, शादी नहीं करनी थी उस औरत की, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। तो उस औरत ने उस लड़के को मतलब उनकी फैमिली ने मार दिया था, वो मर गया था पता नहीं। फिर उस औरत ने सोच रहा था कि मैं ऐसी जगह जाकर सुसाइड करूँगी जहाँ मेरी लाश ना मिले, तो उस लड़की ने उस औरत ने वो यहाँ पे आके सुसाइड कर लिया था इन जंगलों के बीच में जहर खा के। उसकी लाश ना मतलब उन लोगों ने बहुत ढूंढा था, बहुत ढूंढा था, तो क्या ना हफ्ते या फिर 6-7 दिनों बाद उसकी लाश में से जैसे बदबू सी आने लगी। तो यहाँ पे माली वाली जाते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री वाला का एरिया, तो उन्होंने देख लिया था। अंकित क्या देख रहे हैं बता दे, कुछ है क्या किसी के पास है ना? यही तो देख रहा हूँ, चिल्लाने की बात है। तो यार यहाँ पे नॉर्मली यही है कि वो औरत का मतलब फेस बिल्कुल गंदा हो गया था, मतलब सड़ सा गया था, तो सड़ा हुआ फेस ना लोगों को दिखता है, उस औरत का कीड़ा पड़ा हुआ, उसके बाद ना लोगों को हार्ट अटैक आता है, मतलब कई लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, कई लोग डर चुके हैं, बीमार पड़ जाते हैं। छोटी सी बच्ची थी यहाँ का जो केयर टेकर है, उसकी बच्ची मतलब 7-8 बजे के करीब ही यहाँ पे आ गई थी, तो उसने वो ऐसा देख लिया था उस औरत को। उसके बाद वो ना उंगली कर देती थी इस तरफ की तरफ की, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। फिर उस औरत वो जो लड़की छोटी सी आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास की थी, वो फिर 10 दिन बाद वो भी मर गई थी बेचारी, वो छोटी सी बच्ची। तो उसके बाद इस रोड से ना जैसे ये दिख रहा आपको रोड, इस रोड से रात को पूरा खाली पड़ा हुआ, इधर भी कर दियो अंकित, इधर कोई नहीं है, इधर आ जा, इधर कर दे बस। तो इस रात को जैसे ही मतलब 6-7 ही बजते जैसे अंधेरा होता ना, इस रोड से लोग आना बंद कर देते हैं। तो आज हम आए हैं, हम देखते हैं क्या वो हमसे बात करती हैं, वो दिखती हैं। और सच में अगर इतना गंदा चेहरा मुझे दिखा, मतलब यार गंदा चेहरा उस वे में गंदा नहीं, मतलब कि ऐसे किसी का कीड़े मतलब कीड़े पड़ गए थे उनके चेहरे पूरी बॉडी पे, तो वैसा चेहरा देख के लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमें दिखता है। छोड़ो यार, हम नहीं चाहेंगे दिखे, बस कुछ हो जो ताकि हम नोट करें। लास्ट वीडियो में मैं दिखा था पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इस वीडियो में देखते हैं, क्योंकि हम काफ़ी डर गए थे। सर बता रहा हूँ मैं अंकित, तू भी डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया, तो डर हम दोनों गए थे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। और ये रोड देख रहे हो, ये जगह, ये पूरा इलाका इधर पूरा फैक्ट्री इलाका है, ये सरोवर है, और ये मतलब पूरी झाड़ियाँ जहाँ पे उस औरत ने सुसाइड किया था। और हम उसी रोड पे, और इधर कह रही हो अंकित, हम उसी रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे वो औरत दिखती है। तो काफ़ी देर हो गई मतलब नहीं दिखा भी कुछ ऐसे हमें, और देखते हैं सरोवर के अंदर दिखा था बट यहाँ पर नहीं दिखा। ऊपर चढ़ाएगा अंकित, अंकित मजा क्यों ले रहा तू आज? अंकित ना, अब अंकित को पता है क्या हो गया, अंकित को ना डर खुल गया दिल से, मतलब अब इसको इतना डर नहीं लगता। तो अपना जब से आया ना मजा लिए जा रहा है। पीछे का दिख रहा है आपको बिल्कुल घनी झाड़ी है, एंड ना यहाँ से ना बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। क्या हो गया? कोई बुला रहा, सुन रहा है? बुलाने की नहीं, मेरे को रोने की आवाज़ आ रही है ना। हमें ना 1 घंटा से ऊपर हो गया, हम यहीं खड़े हैं, जस्ट यहीं खड़े हैं, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो इधर की तरफ हो रही है। आई थिंक ना यहाँ पे ये जो थोड़ा ये कहाँ पे दिख रहा है, ये जो वाइट वाइट, यार मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये ना बाकी बस 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 ये यहाँ से एक ना पूरे एरिया में बस एक यही जगह है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है। और बिल्कुल अंकित, ओए ये क्या था? मुझे नहीं पता भाई।
है ना आवाज, तेरे को सुनाई दी? और इस तरफ देखो बिल्कुल घना है, कहीं से नहीं जा सकते हम। ये देख रहे हैं क्या, तड़प सा रहा है ना, तड़प रहा हो, बुला रहा हो, हाँ कि कोई मदद मांग रहा हो। यार अंकित, अगर भाई मैं तो सच बता रहा हूँ अंकित, स्कूटी बंद करिए, अगर नहीं तू एक बार इधर आ, स्कूटी छोड़ के इधर आ अंकित, स्कूटी छोड़ के इधर, क्या हो गया, स्कूटी छोड़ के इधर आ जा, इधर आ। और बताऊँ एक रीज़न, मैं इससे बात क्यों नहीं कर रहा अंकित, इसके बात करने का रीज़न ना, एक इनसे जो भी है यार रिस्पेक्ट बड़ी थी मुझसे, तो उनसे बात करने का रीज़न एक ये भी था, अगर गलती से भी मेरे सामने आ गई ना अंकित, ये तेरे सामने आ गई, लिख के दे रहा हूँ भाई, बीमार रहने वाले हैं, क्योंकि ना उनका फेस ना, हाँ बताया था तूने स्टोरी में भी कि उनका फेस बिल्कुल ख़राब हो गया था, ख़राब हो गया था, जैसे गल नहीं जाता, ऐसा हो गया था। और अब पीछे की तरफ देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ना कि हमें कोई देख रहा है और बुला रहा है, तो यार मेरा ना अंदर की तरफ चले भी जाते, मेरा मन है कि एक बार जाने का, नहीं कहीं मत जा यार, यहाँ से ना एक बार अंदर जाके मैं देख सकता हूँ भाई, बिल्कुल ही मत जाऊँ मैं इसके अंदर, देख यहीं यहीं से तुझे रास्ता दिख रहा है, स्कूटी वहीं छोड़ दे राजा। ये स्मेल कैसी आ रही है अंकित ना, जैसे इस तरफ आया तो ऐसा आ रहा है जैसे कि जैसे कुछ सड़ सा गया हो, वैसी स्मेल से आ रही है। तो क्या अंकित ऐसे भी होता है क्या, मुझे इतना नहीं, इतना कंफर्म नहीं है कि वो स्मेल अभी तक आया था, तो कुछ मैंने तो आज तक नहीं सुना, नहीं यार ऐसा होता नहीं है, पर स्मेल इतनी हार्ड नहीं आ रही, मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है, जैसे दूर की जैसे हवा में स्मेल होती है ना, वैसी वैसी आ रही है, बट आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है ना, मेरे को ना आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कोई मदद नहीं मांगता, हाँ ये थोड़ी दबी दबी आवाज़ तेरी, ये देख इधर कहाँ की स्कूटी लाइट, इसको की स्कूटी लाइट इधर करियो, ये पूरा हिल रहा था अभी, ये हिल रहा है। अंकित मैं अंदर जाऊँ? रहन दे भाई, मत जा अंदर, बोम बिल्कुल आगे रास्ता बंद है यार, रहन दे, रिस्क मत ले। मैं पैदल चल रहा हूँ, अंकित स्कूटी पे चल रहा है, और मैं ना पूरा हम घूम रहे हैं कि कुछ दिख जाए, और कुछ दिखता है तो मुझे बताइएगा, क्या होगा कुछ दिखा देगा भाई, मेरे को पीछे डर लग रहा है ना, थोड़ी स्पीड में लिया है इसको। आवाज़ सुन रहा जैसे कुछ दम नहीं घुटता, हम सांसें रुकने किसी की, और ये आवाज़ रोने की। अंकित एक बार चल रहे भाई यहाँ से, आ जा स्कूटी तो मोड़ ले, स्कूटी मोड़ ले, आ जा आ जा आ जा, कल हम निकल रहे हैं। तो पता है कि यार देखो ये वाली वीडियो ना, सच बताऊँ ना, मैं नहीं चाहता था कि वो सामने आए, ना अंकित तू चाहता था कि वो सामने आए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसका फेस कुछ ज़्यादा ही खराब था, और लोगों ने सुना है, मैंने लोगों से मैं सुना है तभी तो कि भाई वो सामने आते थे तो हालत ख़राब हो ही जानी थी, इसलिए भाई ये एक ऐसा वो लोग है जहाँ पे मैंने नहीं चाहता था कि हमारे सामने वो कैप्चर हो। और इसमें ना जैसे अंकित तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे किसी की कुछ चल रहा है उसे घूंघर की आवाज़ आ रही, मेरे को नहीं आ रही, मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को किसी की चूड़ियों की आवाज़ आ रही, वो अंकित को नहीं आ रही, बट एक लास्ट में फिर हमारे साथ ऐसा हुआ कि किसी ना कि जैसे किसी का दम घुटता है ना, जैसे वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि जैसे जहर खाने का भी होता है, दम वम घुटता होगा ना, हाँ जहर खाने के बाद भी हो जाता, पर ऐसे ऐसा था नहीं। और जैसे ना स्मेल से आ रही है, पता नहीं कि इधर क्या है, ऐसा ना कि जैसे किसी की लाश, मतलब कुछ भी, जैसे कोई जानवर ही क्या, आई डोंट नो कि कोई जानवर ही मरा हो अंदर, कुछ कंफर्म नहीं है, ऐसी कुछ स्मेल से आ रही है अंदर से, यहाँ भी आ रही है, इस तरफ आ रही है, जो हम आगे की तरफ गए थे उधर कुछ नहीं, बट इस तरफ बहुत गंदी वाली आ रही है, हवा चल रही है ना, हवा के बल ही आ रही है, वैसे नहीं आ रही। और ये वाले व्लॉग ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि यार आपके वीडियो में मतलब भूत इतने नहीं दिखते, तो सच बता रहा हूँ कि यार इस वाले व्लॉग में मैं सच में नहीं चाहता था कि वो और हमारे सामने आए, यहाँ का डे विजिट और तो यहाँ का तो कर देंगे, क्योंकि एक ना स्टोरी है जो शमशान घाट वाली, वहाँ पे जाके हमें बनानी है, शमशान घाट का जो पूरा व्लॉग है वो बनाना है, जो शमशान घाट का जो पूरा व्लॉग है वो डे में बनाना है, जो पूरी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है हमारे डे में होती है, नाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो भी पूरा बनाने वाले हैं। तो अब चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मेरे को अंकित को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और स्मेल बहुत बुरी जा रही है इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना उसकी, बहुत जरूर आवाज़ देख रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आप हम ये चाह रहा, अगर आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो उसके पास पहले आ जाए। इंस्टाग्राम हम दोनों को फॉलो कर दो अपडेट के लिए कि वीडियो कब आ रही, कब नहीं आ रही, और जो हॉन्टेड हाउस हॉन्टेड रेस्टोरेंट का पार्ट 3 है उसके पीछे एक रीज़न है कि वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो अंदर जाके
कुलदीप के साथ हुआ था, तो वो ना हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके फैमिली वाले की बुरा ना मान जाए कि ऐसे ऐसा, इसलिए हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो अगर उसके फैमिली वाले बोलें कि ये सब ठीक है या कुलदीप उनसे बात करेगा जब सब कुछ ओके हो जाएगा तब हम डालेंगे, अगर नहीं हुआ तो वो सब हम कट कर देंगे। जो मेरे साथ हुआ था अंकित के साथ हुआ था हम वो डाल देंगे क्योंकि कुलदीप के साथ कुछ ज़्यादा अलग ही लेवल का हो गया था, इसलिए थोड़ा सा वो रुक रहा है वो पार्ट, और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आने में टाइम लग रहा है, टाइम हम लगाते हैं हाँ क्योंकि हमें ना ज़्यादा जल्दी होती है कि हम लोग आपके सामने ऐसे कनेक्ट रहें और आपके साथ वीडियो रखें। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलता सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर देंगे अपने स्टाइल में, कर देंगे अपने स्टाइल में यार ना, नू वो बात ही नहीं आई भाई, सारे भाई आए ठीक है, मिलते सभी को नेक्स्ट में, तब तक के लिए।